वाइब्रेंट में फॉरेन के जो डेलीगेट्स आते थे तो उन्होंने क्या किया, हर एक डेलीगेट्स को सर्टन एसोसिएशंस को बोलो कि आप उनको इनवाइट करो, आप उनसे डिस्कस करो, आपके मेंबर्स है उसको बुलाओ और हर रोज शाम को ऐसे डेलीगेशंस को आप जाते रहो और अपना जो लोकल जो फोक डांसिस है वो सब है वो उनको दिखाओ, तो उनको अपने वहाँ रुचि ज़्यादा रहेगी, एक बॉन्डिंग रहेगा आपका। तो उन्होंने ये करके हर एक एसोसिएशन को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई ये जापान का डेलीगेशन है आपको संभालने का है, तो उसके लिए आपको ये करने का है, ये खाने का ऐसा है, प्रबंध करने का ऐसा, फोक डांसिस रखना ऐसे, आप बिजनेस का जो आइटम है वो भी दिखाओ ऐसे, दूसरे को बोला कि आप कैनेडा का डेलीगेशन उसको आप हैंडल करो, तो हर एक को इन्वॉल्व किया था। इसकी वजह से क्या हुआ कि हर एक एसोसिएशन, हर एक ट्रेड इंडस्ट्री वाले को उसमें इन्वॉल्वमेंट लगा, तो वाइब्रेंट इतना सक्सेसफुल हुआ कि दूसरे दिन जब भी स्टॉल पे सब जाते थे तो अगले दिन रात को मिले हुए थे, तो उनका जो मिलने का उसका एक दूसरे के लिए के जो प्रभाव रहता है वो डिफरेंट रहता था। नहीं तो क्या था, सब फॉरेनर्स फॉरेनर ही रहते, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने क्या, आप मिलते रहो तो इसके आपका बॉन्डिंग रहेगा, आपकी प्रोडक्ट का पहचान होगा, उनका क्या रिक्वायरमेंट वो भी आप जान सकेंगे, फोक डांसिस अपना क्वाइट डिफरेंट है उनसे, तो उनसे अपनी क्या संस्कृति है वो भी मालूम पड़ेगा, तो वो हिसाब से उन्होंने सबको इन्वॉल्व किया था। तो एवरी इंडस्ट्री एसोसिएट वर फीलिंग दैट वाइब्रेंट इज़ नॉट अ गुजरात, वाइब्रेंट इज़ फॉर द एसोसिएशन, वी आर डूइंग इट।